मंगल अद्वैता मंगल गुण धाम मंगल चरित सदा मंगल यार नामा। जगत मंगल जगत के लिए सर्व सर्व रूपेण मंगलकारी शुभ अद्वैता अद्वैताचार्य मंगल गुण धाम सभी मांगलिक शुभ गुणों के धाम मंगल शुभ है सदा सदा मंगल शुभ यहार नाम जिनका नाम। तो मैं साथ साथ बोलिए श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है मंगलकारी क्योंकि क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के समस्त कार्य तथा नाम इतनी चीजों के तीन सदैव मंगलकारी उनके लक्षण उनके कार्य और उनके नाम मंगलकारी। तात्पर्य कृष्ण कविराज गोस्वामी बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा जो भी उनके बारे में सुनता है अद्वैत आचार्य के बारे में श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार हैं एक आचार्य या शिक्षक हैं और उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमयी हैं। जो भी काम करते हैं वो मंगल करने वाला है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्व मंगलमयीता देखता है भगवान जो भी सेवा जी लीला करी भगवान विष्णु ने उसमें ही सर्व मंगलमयीता देखता है कि भगवान पर जो भी कार्य करते हैं मंगल होता है। अगर ऐसा देखता है वे भी उसी के साथ मंगलमयी बन जाता है चूंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत हैं मूल सोर्स अल्टीमेट सोर्स वही है। अतएव जो भी भगवान विष्णु की भक्ति से आकृष्ट होता है भगवान विष्णु की भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता है भगवान से सेवा करता है उनकी वे मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। भगवान विष्णु का अगर भक्त बनता है तो लोग बोलते हैं ना कि हम जीव कल्याण करना चाहिए लोगों का हेल्प करना चाहिए तो ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं। असली में जब विष्णु का भक्त बनेगा तभी इंसान का कल्याण कर पाएगा मानवता का। तो वो व्यक्ति कर सकता है जो अद्वैत आचार्य की मंगलमयता को जानता है। भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्त कर देते हैं और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद जीवन से वास्तविक मुक्ति है। तो ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। छोटे ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति के फलों से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु के आदि उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी जो कर्मकांडी कर्म करते हैं देवताओं की उपासना करना और जो मुक्ति की उपासना ब्रह्म की मुक्ति के मोक्ष में लगे हैं अद्वैत आचार्य की यहाँ पे लिख रहे हैं कि अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष कोई स्थान नहीं है कोई जगह नहीं है उनके कार्य। ये नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न है वो जानते ही नहीं है कि साक्षात विष्णु के डायरेक्ट विष्णु प्रकट होते हैं महाविष्णु। ऐसे लोग अपनी निर्विशेष विचारधारा से उनका अनुसरण करना छोड़ते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो भगवान को मानते ही नहीं तो इस विचार के कारण भगवान को उपासना नहीं करते तो उनकी छोटी बुद्धि है कम अकल कहा गया इंटेलिजेंट लेस। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। तो अद्वैत आचार्य उनको दंड देते हैं तो वो जो उनको दंड देते हैं शुद्ध भक्ति में लाने के तो शुभ हो जाता है। महा भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु के काम ही ऐसे हैं चाहे वो इनडायरेक्टली कर रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो हर जगह से वो ऑस्पिशियस यानी शुभ लक्षण। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनना यानी उनकी कृपा मिल जाए विष्णु की और उनके द्वारा दंडित किया जाना अगर भगवान करने वाला तो मंगल का अर्थ एक ये भी है। मंग का मतलब होता है हमारा मन जो चीजें मांगता रहता है ये दे दो वो दे दो भौतिक वस्तु आकर्षण के कारण। तो वो मंगल वो मन जो है जब छह प्रकार के अनर्थों से गलत हो जाए उसको कहते हैं मंगल। छह प्रकार के अनर्थों से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर
तो उसका हृदय जो पूरा पवित्र हो जाएगा तो उस संबंध में जो भी काम करेगा वो मंगलमय होगा, किसी को भी नुकसान नहीं, उसका रिएक्शन गलत नहीं आएगा, वो अच्छा ही आएगा। तो भगवान अद्वैत आचार्य वो साक्षात ऐसे ही है, मंगलमय है, इसलिए उसका एक नाम ही मंगला है, उसको दिया गया मंगल। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वे पूर्तित करता या प्रकृति के उपदान है, किंतु उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए, उनके सारे कार्य आध्यात्मिक। हम सब उनकी महिमा का गान करते हैं और श्रवण करते हैं, वे स्वयं महिमा निमित्त होता है, यानी उसकी कीर्ति बढ़ जाएगी, उसका यश बढ़ जाएगा। तो यश बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती कि नहीं, नेम फेम सब चीजें, वो अपने आप भगवत को मिल जाएगा खाली उनके बारे में श्रवण करने से। ऐसे कार्य से मनुष्य सारी विपदाओं से मुक्त हो जाता है, सारी विपदाओं का सारे संकट। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कल्मश या मायावाद से नहीं जानना चाहिए, जोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु का जो स्वरूप है उसको मायावाद या भौतिक कल्मश से जोड़ना नहीं चाहिए, कभी अपराध मानेगा। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, हर इंसान को, क्योंकि इस ज्ञान से चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। पूर्णता का मतलब होता है कि असली जो